मणिपुर में हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। हिंसा को लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए 24 जून को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 24 जून को अपराह्न 3 बजे नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के बुधवार शाम यहां गृह मंत्रियों से मुलाकात के बाद यह घोषणा की गई। शर्मा पूर्वोत्तर जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक भी हैं। शर्मा ने कुछ दिन पहले इम्फाल का दौरा किया था और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह और कई अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। मेईती समुदाय की ओर से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद मणिपुर में हिंसक झड़पें हुई। हिंसा में अब तक करीब 120 लोगों की जान चली गई है और 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अमित शाह ने भी पिछले महीने 4 दिनों के लिए मणिपुर का दौरा किया था और राज्य में शांति कायम करने के अपने प्रयासों के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की थी। इसके पहले मणिपुर के विष्णुपुर जिले के क्वांटा इलाके में बुधवार को एक पुलिया के पास खड़ी एसयूवी वाहन में विस्फोट होने से 3 लोग घायल हो गए। एक कार में बम रखा गया था, हालांकि चालक की कार से उतर जाने के बाद बम फट गया। 3 व्यक्ति उस वाहन के पास खड़े थे और विस्फोट की चपेट में आने से वो 3 घायल हो गए। उन्होंने बताया कि 3 को विष्णुपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि घायलों में से 1 की हालत गंभीर है।